हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये देखो दोस्तों, मैं फिर से एक विटाली का एक नया मॉडल लेकर के आया हूँ। दोस्तों आपको पता है आजकल मैं विटाली का एक से एक मॉडल लेके आ रहा हूँ, और ये देखो इसमें से एक है। ये कुछ एक नया मॉडल है, आपको दिख रहा है ये वाला। देखो ये देखो, आपको दिख रहा है BT1090HPW, ये इसका मॉडल नंबर है। देखो हाई प्रेशर वॉशर, ये देखो। और यहाँ पर देखो डिटेल हर चीज़ दिया हुआ। देखो 100% कॉपर वाइंडिंग मशीन है ना। 190 bar, ये देखो हर चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। देखो है ना, इजी ट्रांसपोर्ट है। देखो यहाँ पर ये जो पंप है वो बिग पंप है। देखो यहाँ पर लिखा है बिल्कुल एकदम क्लियरली, बिग पंप है ना, बिग मोटर है ना। तो ये बिल्कुल एकदम मस्त कुछ नया होने वाला है हमारा विटाली कंपनी तरफ से। ये देखो यहाँ पर डिटेल, ये देखो यहाँ पर क्यू आर कोड दिया हुआ है ना, विटाली का जो ऑफिशियल क्यू आर कोड है ये देखो है ना। और 2000 क्या बोलते हैं इसको वाटेज कितना है देखो, है ना 2300 वाटेज का है। देखो 190 bar यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है। जो वजन है वो 11 किलो है ना। और फ्लोर वो भाई साहब 16 लीटर पर मिनट, मतलब इसका मतलब ये काफ़ी अच्छा प्रेशर भी होने वाला है। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली इसको यूज़ करके सच में इसमें कितना दम है। चलो ऊपर से ये 100% जो है कॉपर वाइंडिंग मशीन है वो। देखो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, आप आराम से देखो हाँ इसमें क्या, क्योंकि अगर आप एक पैसा खर्चा करके अगर आप मशीन ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब आप क्या खरीद रहे हो, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि सिमिलर दिखने वाला जो मशीन होता है ना, वो ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि भाई आपको है ना मतलब सेम प्रोडक्ट ही मिलेंगे, है ना। तो विटाली का जो आपको पता है ब्रांडेड है बिल्कुल एकदम, है ना। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो हाई प्रेशर, ये मैनुअल है ना। अच्छा ये देखो कार वॉशर लिखा है, ये चीज़ आप देख लेना डिटेल है ना। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, आप आराम से इसको पढ़ना है ना दोस्तों। ये देखो सबसे पहले हम ये निकलने वाला है, ये देखो ये ब्रांडेड है, आपको दिख रहा है। ये देखो विटाली इसमें लिखा हुआ है ना। ये देखो यहाँ पर ब्रांडेड है, ये हाइड्रोलिक पाइप है बिल्कुल एकदम। ये जो है ना वो 8 मीटर लंबा पाइप है, प्लस 13 mm इसका थिकनेस है। ये मोटा पाइप है ना, रबर पाइप है, एकदम हैवी वाला पाइप है हाइड्रोलिक पाइप। ओके इसको हम अभी साइड रखते हैं। और ये है इनलेट पाइप, ये देखो जिससे हम बाल्टी में से वॉश कर सकते हैं, तो सीधा घर के नल पर लगा सकते हो। ये देखो दोस्तों, ये विटाली के जो कार वॉशर मशीन होता है, इसमें एक चीज़ देखो हट के होता है। देखो ये गन आपको दिख रहा है, ये देखो ये जो गन है ये आगे का ब्रास का है। ये देखो ये भी ब्रास का है। नॉर्मली ज़्यादातर कंपनी में क्या होता है, वो एलुमिनियम का होता है, बस कलर ब्रास का होता है, बस 2 दिन में निकल जाता है। तो ये अच्छा क्वालिटी का ये लोगों ने दिया हुआ इस मशीन के साथ। और एक्चुअली ये जो मशीन है इसका ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, कम प्राइस के अंदर अच्छा हैवी मशीन है एकदम। ये देखो ये कनेक्ट करने का, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। ये देखो ये भी, और ये घर के नल पे अगर लगा रहे हो है ना, तो ये वाला चीज़ें काम आता है। और ये देखो ये गन के आगे लगाने का है एक्सटेंशन रॉड, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप चाहे तो इस तरह का लंबा ऐसा लगा सकते हो। देखो ये ऐसा, ये देखो ये कितना लंबा बन गया, ये देखो लंबा गन बन गया। पर एक्चुअली मैं तो ऐसा लंबा गन यूज़ नहीं करता ना, मैं छोटा ही गन यूज़ करता हूँ है ना। तो मैं इसको खोल के रख देता हूँ, आपको चाहिए तो इस तरह का लंबा गन आप ऐसा यूज़ कर सकते हो। ये है फिल्टर, जो अगर आप बाल्टी से यूज़ कर रहे हो, तो किसी ड्रम से यूज़ कर रहे हो, तो ये इसको लगाने के लिए, जैसे इसके अगले साइड इसको ऐसा लगाने के लिए। देखो ये देखो इसको ऐसा लगाओ, मस्त है, देखो टाइट हो गया। सीधा बाल्टी में डालो और ये साइड जो है ना सीधा मशीन में लगाओ। मशीन में कैसा लगाओगे मैं वो भी दिखा देता हूँ। जैसे ये साइड बाल्टी में चले गए, तो ये साइड जो है ना ये इसको मशीन में ऐसा, ये देखो ऐसा, ये ऐसा लग जाएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब डिटेल करके दिखाता हूँ, ताकि आप मशीन खरीदने के बाद आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ये देखो ये लग गया, अब इसके यहाँ पर ये मशीन में लग जाएगा थ्रेड, और ये सीधा यहाँ पर ऐसा, ये देखो ये लग गया है ना। मैं आपको भी लगा के दिखाता हूँ मशीन के साथ, मशीन को निकालेंगे उसके बाद। और ये देखो ये है दूसरा पार्ट। ये देखो आपके घर के जो नल है आप उसमें लगा सकते हो। ये देखो जैसे कि दूसरा एंड कहाँ है, ये देखो अगर आप बाल्टी से यूज़ नहीं कर रहे हो है ना, अगर आप सीधा घर के नल से यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये देखो ये ऐसा लगाओ, सेम थ्योरी से लग जाएगा, सीधा आपके घर के नल पर लग जाएगा, और ऐसे सीधा ये मशीन में लग जाएगा। तो ये 2 आइटम दिया हुआ, एक तो बाल्टी वाला सिस्टम, एक तो नल वाला सिस्टम, आप दोनों भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लंबा पाइप चाहिए तो आप अलग से ऐसे हार्डवेयर शॉप से 1/2 इंच का पाइप आप खरीद के लेके भी यूज़ कर सकते हो। और ये है सोप डिस्पेंसर, ओके वाओ मोटर एकदम हैवी है, मोटर हैवी है, प्लस 100% कॉपर वाइंडिंग मशीन है, अच्छा क्वालिटी का। ये देखो, और ये है वारंटी कार्ड दोस्तों। ये देखो ये है सीरियल नंबर, ये देखो आपको दिख रहा है, ये देखो ये वारंटी कार्ड है वो। आपको इस वारंटी कार्ड को संभाल के रखना है अगर आपको वारंटी क्लेम करना है तो। ये देखो 12 मंथ वारंटी लिखा है, मतलब पूरा 1 साल की वारंटी है। तो
ये है ब्रांड, आप समझ रहे हो, मतलब ब्रांडेड चीज़ लिया तो ये एक चीज़ है कि भाई आपको मतलब वारंटी वगैरह मिल जाता है अच्छे से। ये देखो बीटाली प्रेशर वॉशर है ना, और ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है कितना वाटेज वगैरह है हर चीज़। ये जो पावर कॉर्ड है ये देखो ये भी काफ़ी लंबा है, देखो कितना मीटर रहेगा, एक दो करीब 2.5 मीटर के आसपास है, 2.5 मीटर से थोड़ा ज़्यादा ही होगा वो, तो काफ़ी लंबा दिया हुआ ये भी ओके। और ये देखो ये जो पंप है आगे का, देखो ये भी हेवी दिया हुआ है सामने का, आपको दिख रहा है ज़बरदस्त। और जो मोटर है ना ये देखो, मोटर भी अंदर से हेवी दिया हुआ है ज़बरदस्त एकदम। तो दोस्तों ये देखो अभी आपने आपको मैंने हर चीज़ एकदम अनबॉक्सिंग करके दिखा दिया है ना। मेरा जल्दी जल्दी में क्या मेरा थोड़ा बहुत अटक जाता है मेरा बात है, क्योंकि मैं फास्ट फास्ट बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, ये मेरे एक आदत से पड़ गया है। और ये देखो यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा है, देखो यहाँ पर देखो, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए, BT 0578012024 आपको दिख रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए। ये देखो यहाँ पर और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, देखो देखो वारंटी कार्ड में ये देखो यहाँ पर वो चीज़ देखो, देखो यहाँ पर सीरियल नंबर दिया है, और यहाँ पर इस बॉडी में ये जो मशीन है इसके बॉडी में भी दिया हुआ है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, तो देखो है ना ओके। चलो अभी फटाक से हम असेंबल करके दिखाएंगे, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट मैं आपको कनेक्शन करके बताता हूँ। ये देखो होस पाइप लिया हमने है ना, ये देखो ये आउटपुट ऐसे लगा दिया ये, इसके बाद मैं ऐसा टाइट कर लिया एकदम फटाफट ओके। और जो दूसरा एंड है इसको हम लगा लेंगे गन में, ये देखो ऐसा ये देखो ये लग गया है, ये देखो ये रेडी है ना। और उसके बाद अगर आप बाल्टी से यूज़ कर रहे हो तो देखो ये ऐसा इस ए साइड लग जाएगा इनलेट में, देखो देखो ये देखो ये तो नॉर्मल लगना ही है यहाँ पर, ये देखो ये ऐसा आपको इस चीज़ को संभाल के लगाना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक का रहता है टूट सकता है कभी भी है ना, तो आपको इसका ध्यान देना चाहिए ऐसा टाइट हो के, यहाँ से लीकेज भी नहीं होना चाहिए, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये देखो कट करके आ जाए ये प्रॉपर लॉक हो गया, अब ये बाल्टी से यूज़ होगा या तो घर के नल से यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्या करने वाला, देखो मैं ऑलरेडी ये देखो लाया हूँ घर के वहाँ से लंबा पाइप लेकर के आया हूँ, ये पहले के मशीन का लगा हुआ है, हम इसको निकाल देंगे, कंपनी के साथ जो आता है हम इसको लगाएंगे। ये देखो तो इसको हम खोलेंगे, हम ये वाला छोटा पाइप यूज़ नहीं करेंगे, जो नॉर्मल जो गार्डन पाइप आता है ना उसका लंबा पाइप हमने मंगाए थे उसको ऐसा यूज़ करने वाले हैं। देखो ऐसा ये देखो यस ये हमारा मशीन अब रेडी है, अब हम देखेंगे इसमें प्रेशर कितना दम है ना। एक काम करेंगे इससे आज भी ना ईंट कट करके दिखाएंगे, वहाँ पर दिखाओ देखो बिल्डिंग बन रहा सामने, और वो देखो वहाँ पर है ईंट आपको दिख रहा है, चलो वो जो सीमेंट का जो ईंट है वो हम कट करके दिखाएंगे इस प्रेशर वाशर से, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली प्रेशर कितना है क्या है ना। और दूसरा बात ये है कि देखो नॉर्मली ऐसा कोई एडिटिंग तो मेरा ज़्यादा वीडियो होता नहीं है, मैं आपको हर वीडियो में प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि भाई देखो कितना प्रेशर है, आप एक नहीं 10 वीडियो देखते हो आपको तो समझ में आ ही जाता है कि इसमें कितना प्रेशर है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली अभी करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखो हमने मशीन पूरा रेडी कर लिया, हमने यहाँ से टेबल वगैरह हटा लिया है, लेकिन एक चीज़ अभी दिखाना बाकी है, ये देखो ये है मेन चीज़ इस मशीन का, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है बार एडजस्टमेंट करने वाला सिस्टम, प्रेशर एडजस्टमेंट कर सकते हैं इससे है ना। ये देखो जैसे कि हमने इसको अभी अभी क्या करेंगे, हमने कनेक्शन कर लिया है, अब इसको गन को दबा के रखेंगे ऐसा देखो ऐसा, और मशीन को चालू कर देंगे, ये पूरा जो भी कचरा वगैरह निकल जाने दो, क्लियर हो जाने दो, पानी स्मूथ आ जाने दो, यस परफेक्ट। अब हम इसको लगा लेंगे, और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ ये नॉब का कमाल देखना, वो प्रेशर देखो ज़रा भाई साहब खतरनाक प्रेशर, वो हो चलो अभी एक चीज़ दिखाना बाकी है, देखो ये है ना ये प्रेशर नॉब, देखो हाँ कंटिन्यू में चला रहा हूँ आप देख रहे हो, ये देखो इसको मैं घुमाऊँगा प्रेशर ये देखो ये कम हो गया, प्रेशर लो हो गया है ना, और जैसे इसको मैं वापस टाइट करूँगा ये देखो ये प्रेशर जितना उसको टाइट करूँगा उतना ज़्यादा प्रेशर,
देखो कहने का मतलब क्या है, प्रेशर एडजस्टमेंट किया क्यों दिया है, इस तरह का मशीन से ना कम प्रेशर करके लो प्रेशर करके आप अपने जो फूल पेड़ पौधे उसमें भी आप ऐसा वाटर स्प्रे कर सकते हो। मतलब ऐसा रहता है कुछ हाइट में कोई पेड़ पौधे है उसमें प्रेशर से मारोगे तो क्या होता है, मतलब पत्ता डैमेज हो सकता है, तो आप कम प्रेशर करके मार सकते हो। या तो आपके घर के अंदर जो एसी होता है, एसी वगैरह क्लीन करना होता है, तो इतना प्रेशर नहीं मारते उसमें, नॉर्मल प्रेशर मारते, तो ऐसे में इसका प्रेशर कम करके आप उसको स्प्रेड करके ऐसा प्रेशर मार सकते हो। इस तरह से क्या है प्रेशर एडजस्टमेंट सिस्टम दिया हुआ है। और सेकंड थिंग ये देखो, ये जो पंप है ना ये भी मस्त एकदम हैवी वाला पंप है, देखो आपको दिख रहा है डिटेल। यस चलो अब मैं आपको क्या करता हूँ, ये देखो प्रेशर इसमें कितना दम है मैं आपको दिखाता हूँ। वाओ खतरनाक, हाथ फाड़ देगा ऐसा प्रेशर है। देखो ये है ईंट, सीमेंट का ईंट, आज मैं आपको ये कट करके दिखाता हूँ, देखना ये भाई साहब, ये देखो देखो कैसा कट हो गया है, दो तीन सेकंड के लिए राउंड मारा, देखो यहाँ से ऐसा मार्किंग हो गया है। चलो मैं आपको और एक साइड दिखाता हूँ ऐसा करके। ये देखो कट हो गया, आपने देखा, तो इस तरह का ये पूरा सीमेंट का जो ईंट है ना, हमने पहले भी ऐसे दिखाया कि बिल्कुल एकदम आर पार कट करके दिखाया कि अभी पूरा सीमेंट का ईंट को अगर कट करते रहेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अभी डायरेक्टली क्या करेंगे, हम इस कार को वॉश करके दिखाएंगे। देखो कार दिखाओ भाई, कार दिखाओ, कार कितना गंदा हो गया है देखो ज़रा। कार एक्चुअली मैंने एक महीने से धोया नहीं हूँ क्योंकि मुझे दिखाना था कार कितना गंदा है, और गंदा कार को वॉश करने में तो मज़ा आएगा, आपको समझ में आना चाहिए भाई किस तरह गंदा कार को हम वॉश करते हैं ना। ये देखो पूरा गंदा है एकदम, पूरा मट्टी भर गया है। चक्के के नीचे दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, ये देखो पूरा मट्टी मट्टी भर गया है, देखना प्रेशर से एकदम चकाचक एकदम क्लीन हो जाएगा। देखो इधर हालात कार का, देखो चलो अब हम इसको वॉश करने वाले। चलो सबसे पहले सामने से शुरुआत करते हैं, यहाँ से आपको इस तरह पॉइंटेड करके नहीं मारना है, ठीक है, हल्का सा स्प्रेड करके मारना। देखो जैसे हम प्रेशर मार रहे हैं ना, देखो पूरा काला काला, देखा आपने कितना कचरा निकल रहा है अंदर से, प्रेशर से पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। ये जो कार जो वॉश है ना, तो ये प्रेशर से सबको तो 70-80% तो प्रेशर से ही काम हो जाता है, मस्त एकदम क्लीन हो जाएगा, इतना प्रेशर है इसमें। देखो अंदर का मट्टी वगैरह है ना फटाफट क्लीन कर लेंगे। अच्छा और एक बात है, ये जो मशीन है ना, एक तो साइलेंट मशीन है, ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है, और दूसरा बात है कि ये जो मशीन है उसमें ज़्यादा पानी कंज्यूम नहीं होता है, मतलब कम पानी के अंदर आपका कार जो है ना चकाचक क्लीन हो जाएगा। 100-200-300 लीटर पानी नहीं चाहिए इसके लिए, इसके लिए हाईएस्ट आप 50 लीटर पानी से भी नॉर्मल आपका कार अच्छे से वॉश कर सकते हो, मतलब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप अगर बिना मतलब प्रेशर मारते हो रहोगे एक ही जगह पे तो पानी ज़्यादा लगेगा ही लगेगा, है ना। अगर नॉर्मल आप अपनी हिसाब से अगर एक दो बार करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, आप कम पानी में आप इसको यूज़ कर सकते हो। वॉशिंग सेंटर में वॉश करने जाओगे ना ऐसा, इस तरह का प्रेशर मार के अच्छे से, तो भाई 300-400-500 ले लेंगे, है ना। आप अपने घर में इस तरह का एक मशीन मंगा लो बस। ये हे क्या गंदा लग गया है, देखो जरा पता नहीं क्या है, तो चिड़िया ने हक दिया होगा, एकदम सूख के हार्ड हो गया है, थोड़ा उसको सॉफ्ट होने दो, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। भाई साहब प्रेशर में दम है, जबरदस्त प्रेशर, देखो जरा पूरा कचरा बाहर। वाओ क्या प्रेशर है यार, मज़ा आ गया काम करके। चलो
दोस्तों ये देखो, हमने 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा का पूरा कार हमने अच्छे से पानी मार लिया है। आपने देखा कितना गंदा था कार, है ना। कार अगर नॉर्मल साफ रहेगा ना तो इतना टाइम नहीं लगता है ना, पर पूरा कार के एक महीने से मैंने वॉश नहीं किया तो पूरा कीचड़ और गंदा हो गया था। और काफ़ी लंबा सफ़र जब भी जाके आया, 2-3 बार मैंने गाँव जाके आया था, है ना। उसके बाद मैं अब ठीक से वॉश करा तो आपने देखा ना, फिर भी 2-3 मिनट के अंदर पूरा कार को अच्छे से पानी मार के हो गया। अब हम इसमें शैम्पू अप्लाई करने वाले। दोस्तों ये देखो, ये हमने एनआर कार वॉश शैम्पू लेके आए हैं, हम इसको यूज़ करने वाले। और ये देखो, ये मशीन के साथ जो सोप डिस्पेंसर आता है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो ये है प्रोफेशनल फोम कैनन और ये है सोप डिस्पेंसर। तो मैं आपको दिखाता हूँ मशीन के साथ, एक्चुअली ज़्यादातर मशीन के साथ इस तरह का सोप डिस्पेंसर ही आता है। अगर आप पर्सनली घर के लिए ले रहे हो तो इस तरह का आप सोप डिस्पेंसर यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई अच्छे से आपको कार के जैसे फोम होना चाहिए, तो मैं आपको प्रैक्टिकली दोनों भी करके बताऊँगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ले लेते शैम्पू, है ना, और इसमें भी सेम ऐसे 100 ml भर लेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको इस तरह का फोम कैनन ही खरीदना है, ऐसा शैम्पू ऐसा अप्लाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो अपना हाथ से भी अपने कार पे अप्लाई कर सकते हो, या तो आप सीधा ऐसे ये जो सोप डिस्पेंसर आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, आप प्रोफेशनल फोम कैनन भी यूज़ कर सकते हो, आपका मर्जी। तो मैं आपको तीनों भी ऑप्शन दिखाता हूँ, है ना। बाकी आपको तो पता है हाथ से कैसा करना है, आपको बाल्टी के अंदर शैम्पू डाल के थोड़ा प्रेशर मारना तो हो जाता है। चलो ये हमने भर लिया, इसको भी भर लेते। चलो ये भी पानी भर गया है, अब इसको भर के थोड़ा सा ऐसा शेक कर लेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा फिर। अगर मैंने आपको ये वाला सिर्फ दिखा दिया, हाँ, और फिर बोलोगे भाई कैसा फोमिंग कैसा करना है ना, तो इसीलिए सोचा कि मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि फोम कैसा होता है, इससे इस मशीन से फोम किस तरह का परफॉर्म करता है। ये देखो, ठीक है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये सोप डिस्पेंसर किस तरह से काम करता है। ये देखो, देखा आपने, ये ऐसा सोप स्प्रे करेगा, देखो जरा, है ना। ये नॉर्मली सोप डिस्पेंसर है ये वाला, आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अगर आप चाहते हो नहीं भाई आपको प्रोफेशनल चाहिए, अच्छा ज़्यादा फोम होना चाहिए, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। और आप किसी भी तरह का किसी भी कंपनी का शैम्पू ले सकते हो, किसी भी कंपनी का ऐसा क्या बोलते हैं फोम कैनन वगैरह ले सकते हो, है ना। ये जो हमारा एनआर कार फोम कैनन है ट्रांसपेरेंट वाला, आप चाहे तो कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो मैं आपको भी दिखाता हूँ शैम्पू कैसा आएगा फोमिंग। ये देखो दोस्तों, ये देखो, वाओ, गाढ़ा गाढ़ा फोम आपको दिख रहा है, ये हुई ना बात। तो आपको हर तरह की नॉलेज रहना चाहिए कि भाई ये पतला फोम जो है ना सोप डिस्पेंसर से आता है, और प्रोफेशनल फोम कैनन यूज़ करोगे तो भाई साहब ये देखो ये इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा फोम आएगा। ओ हो, वाओ यार मज़ा आ गया, दिख रहा है आपको कितना खूबसूरत है। देखो ये एनआर फोम कैनन ट्रांसपेरेंट और प्लस एनआर शैम्पू का कमाल है भाई साहब। आप चाहे तो कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हमारा शैम्पू से ऐसा गाढ़ा गाढ़ा आएगा, किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो और किसी भी तरह का फोम कैनन आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन बस मुझे इतना कहना था कि भाई देखो इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा फोम आता है भाई साहब। ओ हो, मज़ा आ गया। क्वालिटी देखो ज़रा, क्वालिटी देखो। और एक्चुअली ये जो फोम कैनन है ना इतना महंगा भी नहीं है, सिर्फ कितना 1300-1200 का कुछ आता है, एकदम कम रेट में है, लेकिन इतना परफॉर्मेंस इतना बेटर है कि पूछो मत। पहले इस तरह का फोम कैनन नहीं आता था, आजकल मार्केट में इतना कंपटीशन आ गया ना, मतलब एकदम सस्ते में ज़बरदस्त चीज़ मिल रही है। देखो ज़रा गाढ़ा फोम देखो शैम्पू का भाई साहब, मज़ा आ गया एकदम, वाओ। ओहो, मतलब एकदम दिल खुश कर देने वाला फोमिंग है भाई साहब, एकदम प्रोफेशनल जो वॉशिंग सेंटर में होता है ना एकदम हाईफाई वैसा है एकदम, लेकिन एक्चुअली एकदम कम रेट में आपको मिल जाएगा सब मार्केट में आजकल। और मशीन के साथ तो भाई मैं क्या बताऊँ, बिटाली का जो मशीन है उसके साथ ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। देखो ऐसा क्या है ना, हमेशा ना फोम कैनन अच्छा रहने से ही जो अच्छा फोम आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, है ना, तो मशीन भी अच्छा रहना चाहिए। तो भाई साहब ये जो मशीन है इसके साथ ज़बरदस्त सेटिंग हुआ है, देखो ज़रा। वो हो, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, मज़ा आ गया, वाओ। देखो ज़रा यार, दिल खुश करने वाला बात है ये, इतना ज़बरदस्त फोमिंग भाई। बिटाली का जो कार वॉशर है ना इसके साथ एकदम परफेक्टली मैच बैठा है ये वाला परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि कभी कभी कार वॉशर में अगर प्रेशर वगैरह कम होता है ना तो ऐसे में ठीक से काम नहीं करता है, लेकिन इसका तो बात ही अलग है। देखो ज़रा क्या फोमिंग है, क्या फोमिंग है यार, मज़ा आ गया, वाओ। ये देखो ज़रा, वाओ, ये देखो ज़रा गाढ़ा गाढ़ा फोम, ओहो हो, देखो ज़रा नीचे गिरा है, देखो कैसा, वाओ।
दोस्तों ये देखो हमने शैम्पू मार लिया है, अब हम मस्त एकदम ऐसा अच्छे से क्लीन कर लेंगे। देखो जरा, और देखा आपने मैंने हाथ में क्या पहना है ना, मस्त चीज़ है एकदम, मज़ा आता है इससे ऐसा कपड़ा मारने में। कपड़ा तो नहीं, एक तरह का ये है वो, सामने से ना कुछ वूल लगा हुआ है, तो अच्छे से मस्त वॉश हो जाता फास्ट फास्ट। ये देखो ऐसा, ये कपड़े में क्या होता है, क्लॉथ में क्या होता है, फिर वो फोल्ड करो और ये वो हाथ में लग जाता है, कई सारा झमेला है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ज़रा, ओहो हो, अलग ही एक मज़ा आता है। तो दोस्तों एक काम करूँगा मैं, क्लॉथ हो गया, ये हो गया, या तो हमारा जो मशीन है ना, और फिर बाद में जो शैम्पू, जो बाद में ट्रांसपेरेंट फोम केरन, हर तरह का जो प्रोडक्ट है मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जा करके ये सब चीज़ें भी आप खरीद सकते हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, है ना। ये बिटाली का जो मैं लिंक देने का कोशिश करूँगा, प्लस जो है ना आपको जो कंपनी का नंबर वगैरह मैं दे दूंगा, है ना, तो वहाँ से आप सीधा कॉन्टैक्ट करके भी, कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हो इस मशीन के बारे में, या तो आप ऑर्डर कर सकते हो। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। दोस्तों एक काम करेंगे, मैं फुल कार को अच्छे से ऐसे ही कपड़ा मार लेता हूँ, वीडियो को लंबा बना के कोई फायदा नहीं है ना, और फिर बाद में अच्छे से पानी मार लेंगे, फिर देखेंगे देखना कार कैसा चमक रहा होगा। दोस्तों हमने देखो मस्त एकदम कार को चकाचक क्लीन कर लिया है, बाकी देखो मशीन का जो प्रेशर है वो देखो जबरदस्त दमदार भाई, मज़ा आ गया मुझे आज इस मशीन से काम करके, है ना। तो बाकी आप मुझे कमेंट करके कैमरामैन के ऊपर की पानी जा रहा है, तो बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ, है ना, आपको मशीन कैसा लगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दे दूंगा, प्लस आपको कंपनी का नंबर भी दे दूंगा, आप सीधा कॉन्टेक्ट करके आप ये प्रोडक्ट मंगा सकते हो। तो बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।